हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रुचि जोशी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में नाउंस, NOUNS, नाउंस। नाउंस यानी नेम, है ना। हर एक चीज़ का नाम होता है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ नेम। दुनिया में जो भी सारी चीज़ें हैं उसका नाम होता ही है ना। अगर नाम नहीं होता तो हम उसको पहचानेंगे कैसे। तो हर एक चीज़ का नाम होता है, उसे नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, नेम कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं। नाउन, नाउन यानी नेम। अब ये देखो, इस पिक्चर में ये वुमन है। वुमन भी कह सकते हैं, लेडी भी कह सकते हैं, गर्ल भी कह सकते हैं। ये है पर्सन, मैन। अंकल भी कह सकते हैं, फादर भी कह सकते हैं। ये क्या है? अम्ब्रेला। ये है पैरोट। ये पिक्चर है बस। ये किसका पिक्चर है? काऊ का। ये क्या है? हाउस, घर। ये है फ्लावर और ये है ऑरेंज। तो देखो, यहाँ पे पिक्चर को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, उसे देखा और उसका हमने नाम बताया। क्या बताया? नाम बताया। तो अगर इन सारी चीज़ों का नाम नहीं होता कि इसको काव कहते हैं, इसको ऑरेंज कहते हैं, इसको घर कहते हैं, हाउस कहते हैं, है ना। अगर ये सारे नाम नहीं होते तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, है ना। तो हर एक चीज़ का नाम होता है, तो उसी नाम को कहते हैं नाउन या फिर नेमिंग वर्ड्स। अब देखो, नाउन्स यानी नेमिंग वर्ड्स या फिर नेम, ओके। तो इसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स और थिंग्स। पर्सन का, प्लेस का, बर्ड्स या एनिमल्स या थिंग का जो नाम होता है उसे कहते हैं नाउन। तो पर्सन में देखो, पर्सन यानी इंसान। कौन कौन आ सकता है इसमें? फादर, पापा। इंसान है कि नहीं? पर्सन है, ओके। तो फादर, वो क्या हुआ? नाउन। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी दादा या फिर नाना, तो वो भी पर्सन है, इंसान है, तो वो क्या हुआ? नाउन यानी नेम। मदर, मम्मी, है ना। तो मम्मी क्या है? वो पर्सन है, तो वो भी हुआ नाउन। हम मम्मी कह के बुलाते हैं, है ना, मम्मी को। बॉय, लड़का, तो वो भी इंसान है, पर्सन है, तो वो भी हुआ नाउन। पुलिसमैन, पुलिसमैन भी इंसान होते हैं ना, पुलिसमैन, वो भी पर्सन होता है, तो वो हुआ नाउन। नर्स, इंसान होते हैं, पर्सन होते हैं, तो वो भी हुआ नाउन, क्योंकि हम उनको नर्स या पुलिसमैन कह के बुलाते हैं। पापा कहते हैं, दादा कहते हैं, मम्मी कहते हैं, तो वो हुआ इंसान, पर्सन का नाम। अब देखो, प्लेस, प्लेस यानी जगह। हम हर जगह जाते हैं ना, यहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो ये जगह है, प्लेस। प्लेस में कौन कौन सा नेम आता है? मार्केट, हॉस्पिटल, ऑफिस, हिल, पहाड़ी पे जाते हैं घूमने के लिए, है ना, गार्डन में जाते हैं, प्लेग्राउंड है। तो इसमें कई सारे और भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये प्लेसेस, जगह का नाम जो होता है वो भी नाउन कहा जाता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स का भी नाम है। हैन, फिश, टाइगर, पिकॉक, क्रो, पैरोट, इसको हम कैसे पहचानते हैं? उनके नाम से। तो एनिमल और बर्ड का भी नाम होता है, तो वो भी नाउन कहा जाता है। अब है थिंग्स, थिंग्स यानी चीज़, वस्तुएं, है ना। फॉर एग्जांपल, पेन, कार, फ्लावर, शर्ट, फ्रूट, डॉल। अभी मेरे हाथ में ये पेंसिल है, पेंसिल। ये है पेपर, बुक, टेबल, चेयर, फैन, लाइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
थिंग्स में आती है, चीज वस्तुओं में, तो उसका भी नाम है, है ना। तो नाम से हम उनको पहचानते हैं, तो वो कहलाया जाता है नाउन। आगे हम देखते हैं, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ नेम, अभी मैंने समझाया, सारी चीज़ों का नाम होता ही है, उसी नाम की वजह से हम वो चीज़ को पहचानते हैं, तो वही हुआ नाउन। अब जो मैंने अभी समझाया ये लिखा हुआ है, वर्ड्स दैट आर यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स और नेमिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन के हो, प्लेस के हो, एनिमल्स के हो, बर्ड्स के हो या चीज़ के हो, उसे कहते हैं नाउन या फिर नेमिंग वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ पर्सन अभी मैंने बताया, ये फिर से देख लेते हैं, नेम ऑफ पर्सन। अब पर्सन में कौन कौन आता है, देखो, मैन, इंसान, मानस, ओके, टीचर, है ना, गर्ल, चाइल्ड, बच्चा, किंग, राजा, तो ये सारे आते हैं पर्सन में, इनसे हम उसको पहचानते हैं, ये कि हमारे टीचर है, ये बच्चा है, ये राजा है, ओके, तो वो पर्सन में आते हैं। नेम ऑफ प्लेसेस, जगह के नाम, स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, है ना, कहाँ जाते हो, स्कूल, फिर टेंपल, मंदिर जाते हैं, किचन, पार्क, हॉस्पिटल जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो ये है जगह। नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल और बर्ड के नाम, काउ, लायन, स्पैरो, मंकी, पीजन, तो ये है उनके नाम। एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ थिंग्स, बुक, टेबल, बॉल, स्पून, शूज, चेयर, तो ये सब है थिंग्स के नाम, चीज़ वस्तुओं के नाम। तो यानी कि हर एक चीज़ का नाम होता है, और वो पर्सन होता है, प्लेस होता है, एनिमल्स, बर्ड्स या थिंग्स होता है, तो हर एक चीज़ का नाम होता है, तो उसे नाउन कहते हैं। नाउन यानी नेम, जैसे मैंने बताया माय नेम इज़ रुचि, तो मैंने मेरा नाम बताया, वैसे आपका भी नाम होगा, है ना, तो वो भी नाउन कहा जाता है। आगे हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज़।